छाए रोहित कंगारू गेंदबाजों को कर दिया चित। शर्मा जी के लड़के ने कर दिया कमाल, मैदान के हर तरफ छक्कों का धमाल। हिटमैन इज बैक, ऑस्ट्रेलिया बोलर्स को किया हैक। छक्कों के शिखर से रोहित बस एक मैच दूर, वर्ल्ड कप में अब दिखेगा सिक्स का टूर। अब तक तो बच्चों ने कंगारुओं को किया था चित, अब बारी है बड़ों की। सो हिटमैन और किंग ने कुछ इसी अंदाज में वापसी की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की। अब ये भी जान लेते हैं कि उन्हें आखिर हिटमैन क्यों कहा जाता है। तो ऐसा है कि उन्होंने मैदान के हर तरफ छक्कों की बौछार लगा दी। क्या स्टार्क, क्या हेजलवुड और क्या कमिंस, हिटमैन के आगे सबकी बत्ती गुल हो गई। पिछले दो मैचों में हिटमैन दिखे नहीं, फिर जब वापसी की तो अपने जाने पहचाने अंदाज में रोहित शर्मा का हुक और पुल शॉट देखते ही बना। ऐसा लग रहा था कि चाहे कोई भी बॉलर हो, अगर किसी ने रोहित को शॉर्ट बॉल की तो उसकी खैर नहीं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। तीसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम में मिचेल स्टार्क, हेजलवुड और खुद कप्तान कमिंस नजर आए, लेकिन सबके सब गेंदबाज हिटमैन के आगे फीके पड़ गए। हालांकि रोहित शर्मा अपने शतक से जरूर चूक गए, लेकिन एक रिकॉर्ड के करीब जरूर पहुंच गए। सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने के मामले में अब रोहित महज 4 छक्के से नंबर 1 होने से बच गए। इस मामले में अब तक शिखर पर वेस्टइंडीज के पूर्व बैट्समैन क्रिस गेल हैं। टीम इंडिया तीसरे वनडे में बिल्कुल ही नए कॉम्बिनेशन के साथ उतरी। भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने आए वॉशिंगटन सुंदर, जो किसी भी तरह के क्रिकेट में शायद पहली बार ओपनिंग बैटिंग कर रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच 70 से ऊपर रनों की पार्टनरशिप हुई, लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान हिटमैन का रहा। उन्होंने अपनी पारी में शुरू से ही छक्के लगाने शुरू कर दिए। जाहिर है हिटमैन से फैंस और दर्शकों को भी ऐसी क्रिकेट की उम्मीद होती है। उन्होंने फैंस को निराश नहीं किया और अपनी तूफानी पारी से दर्शकों का जरूर दिल जीता। लेकिन फैंस थोड़े निराश इसलिए होंगे कि उन्होंने हिटमैन का शतक मिस कर दिया। अब हम आपको वो बताते हैं जिससे हिटमैन के नाम एक नया कीर्तिमान जरूर हो जाएगा। बस एक मैच का इंतजार है, फिर तो हिटमैन शर्मा उस कीर्तिमान के शिखर पर होंगे। रोहित शर्मा के नाम अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के 451 मैचों की 471 पारियों में 551 छक्के मारने का रिकॉर्ड दर्ज है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राजकोट में होने वाले तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा ने 6 छक्के लगाए। इसके साथ ही रोहित सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में क्रिस गेल से महज 4 छक्के पीछे हैं। गेल इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 554 छक्के जड़ चुके हैं और वो सिक्स लगाने के मामले में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। मौजूदा समय में टीम इंडिया के महान बल्लेबाज विराट कोहली भी इस महारिकॉर्ड से काफी दूर हैं। विराट कोहली ने अपने इंटरनेशनल करियर में 282 छक्के लगाए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि रोहित शर्मा अगले ही मुकाबले में सिक्सर किंग बन सकते हैं और ये मौका उन्हें बड़े मंच पर मिलेगा। हमारा मतलब है अब टीम इंडिया वर्ल्ड कप में अपना अगला मुकाबला खेलेगी, जहां ये पूरी तरह से मुमकिन है कि हिटमैन के सिर सिक्सर किंग का ताज सजेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाली टीम इंडिया के बैट्समैन की बात करें तो पहले नंबर पर हिटमैन रोहित शर्मा 554 छक्के के साथ पर हैं। वहीं दूसरे पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी हैं, जिन्होंने 359 छक्के जड़े हैं। इसके साथ ही तीसरे नंबर पर किंग कोहली 282 छक्कों के साथ बने हुए हैं। वहीं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर 264 छक्के के साथ चौथे पायदान पर मौजूद हैं। वहीं पांचवें नंबर पर युवराज सिंह 251 छक्के के साथ हैं। इसके अलावा पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने कुल 247 छक्के जड़े हैं और वो छठे पायदान पर मौजूद हैं। वहीं सातवें नंबर पर 243 छक्के के साथ वीरेंद्र सहवाग मौजूद हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा इस वक्त शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और बस एक मैच दूर हैं जब वो सिक्सर किंग कहलाएंगे। वहीं वर्ल्ड कप में भी रोहित से फैंस को बड़ी पारी की उम्मीद है और अगर इसी लय में रोहित खेलते रहे तो जरूर फैंस के भरोसे पर खरे उतरेंगे। टीम इंडिया के सिक्सर किंग की बात करें तो रोहित शर्मा 545 छक्के, महेंद्र सिंह धोनी 359 छक्के, विराट कोहली 282 छक्के, सचिन तेंदुलकर 264 छक्के, युवराज सिंह 251 छक्के, सौरभ गांगुली 247 छक्के और वीरेंद्र सहवाग 243 छक्के। रोहित शर्मा के इस बड़े रिकॉर्ड के करीब पहुंचने पर आपकी क्या राय है और आज की खेली गई पारी पर आप क्या कमेंट करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।